नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम हरे साबुत मूंग की दाल बनाएंगे। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर बहुत ही टेस्टी दाल है और डाइजेस्टिव भी है। तो आइए दाल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने आधा कप हरे मूंग लिए, साफ़ किए, धोया और पानी में पूरे 7-8 घंटे के लिए भिगो दिए। तो ये भीगे हुए मूंग हैं, तो सबसे पहले हम इन्हें उबालेंगे। कुकर में हम ये भीगे हुए मूंग डाल देंगे। हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे, 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, मिला देंगे। कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और दाल को 1 सीटी आने तक पहले पकने देते हैं। कुकर में सीटी आ गई है, गैस धीमी कर देंगे और दाल को धीमी गैस पर 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हमारी दाल पक गई है, गैस बंद कर देते हैं और कुकर का प्रेशर ख़त्म होने तक दाल को कुकर में ही रहने देंगे। कुकर को हम इधर रख देते हैं। हम दाल के लिए तड़का बनाकर तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। तड़का तेल से भी बना सकते हैं। घी गर्म हो गया है, 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा भुनने के बाद 1/2 पिंच हींग। गैस कम कर देंगे ताकि मसाले जले ना। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। ये हमने साबुत मसाले लिए हैं। इसमें 2 लाल मिर्च ले लिए हमने साबुत, 2 लौंग ले लिए और 6-7 काली मिर्च लिए और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। मसालों को थोड़ा सा भूनेंगे। 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट। ये हमने 1 टमाटर और 2 हरे मिर्च लिए हैं, इनका हम पेस्ट बनाएंगे। ये पेस्ट हमने ले लिया है, मसाले में डाल देंगे। 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अपनी पसंद के अनुसार लाल मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने दाल में डालने के लिए देसी टमाटर लिया है, इसका स्वाद खट्टा होता है, दाल का स्वाद अच्छा आता है। मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से घी अलग ना होने लगे। मसाले से घी अलग होने लगा है, मसाला भूनकर तैयार है और हम इधर दाल भी चेक कर लेते हैं। तो दाल भी हमारी पककर तैयार हो गए हैं। मूंग बहुत अच्छे पके हैं और हम देख रहे हैं कि काफ़ी गाढ़े हैं, हमें थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा। मसाले में 1/2 कप पानी डाल देते हैं और अब हम ये उबाली हुई दाल भी इस मसाले में डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। गैस धीमी रखेंगे, दाल में उबाली आ रही है। दाल में हम 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और ये गरम मसाला हमारा घर पर बनाया हुआ गरम मसाला है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार मसाला है। इसे बनाने का तरीका आप मेरे वेबसाइट और चैनल पर देख सकते हैं। और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, मिला देते हैं। दाल को 1 मिनट उबलने देते हैं। दाल बनकर तैयार है। दाल को अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा सा पतला या थोड़ा गाढ़ा रखा जा सकता है। दाल को हम प्याले में निकाल लेते हैं। हरे साबुत मूंग की दाल बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी दाल बनी है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा घी डालकर दाल की गार्निश करेंगे। घी से दाल का टेस्ट भी बढ़ता है और अच्छी भी लगती है। हरे मूंग की दाल को चपाती, पराठे, नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो आप ये दाल बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।